हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम PGT TGT DSSSB लेक्चरर यानी प्रवक्ता LT ग्रेड के एस्पिरेंट्स और नेट्स के एस्पिरेंट के लिए इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 4B लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 इस तरीके से, इससे पहले के क्वेश्चन जो है वो पार्ट 4A में हैं। तो 26 इस तरीके से, वर्ड्सवर्थ डाइड ऑन, वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 अप्रैल 1850, यानी 24th of April 1850 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ रिमाइंड्स अस ऑफ, तो शॉशर, स्पेंसर, शेक्सपियर या मिल्टन। तो वर्ड्सवर्थ, अगर इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, वर्ड्सवर्थ रिमाइंड्स अस ऑफ मिल्टन। नेक्स्ट है, साइमन ली इज़ द क्रिएशन ऑफ, साइमन ली किसकी रचना है? तो साइमन ली जो है वो वर्ड्सवर्थ की ही रचना है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की ही ये एक रचना है। नेक्स्ट है, द इडियट बॉय इज़ रिटन बाय, द इडियट बॉय किसने लिखी थी? तो ये भी अगेन वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी रचना जो है वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी थी? VR7, द थॉर्न, कुबला खान, गुडी ब्लैक। तो दोस्तों, इसका जो है कुबला खान करेक्ट आंसर होगा, ये वर्ड्सवर्थ ने ले लिखी थी। इसके बाकी जो सारी की सारी हैं, VR7, द थॉर्न और गुडी ब्लैक, ये वर्ड्सवर्थ की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, हैरी गिल इज़ अ पोयम बाय, हैरी गिल जो एक पोयम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो हैरी गिल जो पोयम है ये भी वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पीटर बेल इज़ रिटन बाय द ऑथर ऑफ, पीटर बेल किसके ऑथर से लिखी गई है, यानी किस कौन सा ऐसा ऑथर है जिसने नीचे दी गई रचना भी लिखी है और पीटर बेल भी लिखी है? तो ये लिखी गई है ऑडिट ड्यूटी के ऑथर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी सिंपल, कॉन्ट्राडिक्टरी, लिरिकल, सटायरिकल। तो वर्ड्सवर्थ ये मानते थे कि पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो कभी भी सटायरिकल या कॉन्ट्राडिक्टरी या लिरिकल नहीं, सिंपल होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईलेस इन गाज़ा एट द मिल विथ स्लैब्स इज़ द लाइन इन, तो ऊपर आपको एक लाइन दे रखी है, लाइन कौन किस में थी इन चारों में से? तो ये लाइन जो है वो लाइन थी ऑप्शन नंबर 4, यानी सैमसन एग्नोस्टिस में, एगोनिस्टस में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इन प्रिफेस टू फेबल इज़ रिटन बाय, तो ये जो है ये ड्राइडन ने लिखी थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मिल्टन वाज दी पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर हुज रिमार्क्स आर दीज। तो ऊपर एक सेंटेंस दिया गया, आपसे पूछा गया है कि ये किसने कहा था? तो ये जो सेंटेंस है ये कहा गया था ड्राइडन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इस तरीके से, क्राइस्ट नेटिविटी बाय मिल्टन इज़, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एन ऑडे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्विप्स एंड क्रैंक्स एंड वॉन्टन विल्स नॉट्स एंड डैक्स एंड रिथेट स्माइल्स डैश दीज लाइन्स आर फ्रॉम। तो उन्होंने ऊपर एक लाइन दे रखी है, आपसे पूछा गया कि ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई हैं। तो ये जो लाइन है दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है लेसिडास की, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले इट ऑन दीज लाइन्स अकर इन, तो अगेन ऊपर एक लाइन दे रखी है, आपसे पूछा गया है ये लाइन किस में अक्कर यानी सुनाई हमारे को दिखती है? द टेम्पेस्ट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, 12th Night, रोमियो एंड जूलियट। तो अगर आपको इसके बारे में पता हो तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यह 12th लाइन में ही आपको कई बार ये लाइन सुनने को मिलेगी, 12th Night में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। वायला इज़ अ करेक्टर इन, वायला जो है वो करेक्टर किस में थे वो एक, तो वो 12th Night के ही एक करेक्टर थे। नेक्स्ट है, हु आस्क फॉर अ पाउंड फ्लैश ऑफ फ्लैश, तो ये किसने कहा था? तो ये हु आस्क
फॉर अ पाउंड फ्लैश, तो इसका जो ऑप्शन नंबर वन जो है वो शाइलोक, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द नेम ऑफ एंटोनीज वाइफ, एंटोनी की वाइफ का नाम क्या था? तो एंटोनी की वाइफ का नाम था फल्विया, यानी ऑप्शन नंबर थ्री जो है दोस्तों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन में स्माइल एंड स्माइल एंड बी अ विलन, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। तो ऊपर आपको एक लाइन दी गई है, आपसे पूछा गया है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये ओथेलो में से, यानी ऑप्शन नंबर टू जो है वो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चार्ल्स लैम्ब वॉज बॉर्न इन, चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ था? तो चार्ल्स लैम्ब का जन्म जो हुआ था वो था 1775 में, यानी ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चार्ल्स लैम्ब्स एसेज आर नोन एज, तो ऑप्शन नंबर टू जो है एसेज ऑफ एलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चार्ल्स लैम बिलोंग टू, ये कहाँ से कौन से पीरियड को बिलोंग करते थे? तो चार्ल्स लैम जो हैं वो रोमांटिक पीरियड को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड एज द प्रिंसेस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट, तो प्रिंसेस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट के नाम से किसको जाना जाता था? तो ये जो है चार्ल्स लैम को ही जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वेयर वाज चार्ल्स लैम बॉर्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था चार्ल्स लैम का? तो चार्ल्स लैम का जन्म जो है वो लंदन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कॉमस इज़ अ चैम्पियन ऑफ इज़राइल पैगन गॉड द डेविल मिल्टन हिमसेल्फ। तो कॉमस, अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में, पैगन ऑफ गॉड को कहा जाता है। कॉमस इज़ द सन ऑफ, तो कॉमस किसके सन थे? गॉड, क्राइस्ट, सर्स या बैकस। तो ऑप्शन नंबर, अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों थर्ड, सर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। धन्यवाद।